Hey there, you're listening to the Quint. महाराष्ट्र का पेंच है कि सुलझता ही नहीं। महाराष्ट्र अब भी 24 अक्टूबर पर ही खड़ा है जब वहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। आज भी हमें नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार बनेगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार, कांग्रेस पर टिका है सारा दारोमदार। लेकिन जो बात तय है वो ये कि शिवसेना का बीजेपी से अलगाव हो गया है। एनसीपी के साथ आ जाने की खबरों के बाद भी फिलहाल अटक गई है शिवसेना की गाड़ी। तो महाराष्ट्र की इस महाभारत पर ही है आज का हमारा ये पॉडकास्ट द क्विंट। हिंदी पर आप सुन रहे हैं द बिग स्टोरी पॉडकास्ट, और हम आज खास तौर पर बात करेंगे कि बीजेपी से शिवसेना के ब्रेकअप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का अब क्या होगा, शिवसेना का क्या होगा, और अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है तो इस सरकार का क्या होगा। आज के पॉडकास्ट में हम शिवसेना के केंद्र में मंत्री रहे अरविंद सावंत की बात सुनेंगे। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहाँ नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूँ ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया और एनसीपी का भी रुख समझेंगे। हम राज्यपाल महोदय के निर्णय की तरफ नजर बनाए हुए हैं। अगर वे शिवसेना को सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से शिवसेना को ये तय करना पड़ेगा और ऐलान करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से सारा नाता तोड़ रहे हैं। और साथ ही महाराष्ट्र के इस घालमेल को समझेंगे द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। बीजेपी के लिए एक ये बड़ा सेटबैक है कि उसका इतना पुराना एलाई उसको छोड़ करके अब अलग रास्ते पे चला गया, दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने यह सोच के किया है। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।